तो गाइस आज हम देखेंगे जिस लोगों को नी के इनर साइड पे पेन होता है, यहाँ पे पेन होता है, ये पेन होने के काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। अगर आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस है, आप सीनियर सिटीजन हो, आपकी एज ज़्यादा है, तो ऑस्टियो आर्थराइटिस की वजह से भी आपको यहाँ पे पेन होता है, मिडल साइड पेन इसको हम बोलते हैं। बट वो डी जनरेशन की वजह से होता है, उसमें आपको एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बट जो यंग जनरेशन है, जो कभी आप जिम जाते हो, रनिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, अगर आपके पैर में कभी जर्क आ जाता है, कभी आपका पैर स्लिप हो जाता है, उसमें यहाँ पे जर्क आ जाता है, तो काफ़ी बार आप लोगों को यहाँ पे पेन शुरू हो जाता है, जो टेम्पररी होता है, एक मस्कुलर पेन होता है। तो इसको कम करने के लिए आज हम देखेंगे कैसे मसाज थेरेपी आपको अप्लाई करना है। बट अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपके नी में गैप कम हो चुका है, अर्थराइटिस की केस है, उसमें भी यहाँ पे पेन होता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको एक्सरे करना पड़ेगा, उसके बाद उसके कुछ एक्सरसाइजेस का प्रोटोकॉल होता है फॉलो करना पड़ेगा, और हल्का सा मसाज आप इसको कर सकते हो, बट उस कंडीशन में आपको एक्सरसाइज ज़्यादा हेल्प करेंगे। बट ये मसाज जो होता है, जो टेम्पररी हमें पेन होता है, जो हमारे किसी एक्सीडेंट इंजरी की वजह से यहाँ पर शुरू हो जाता है, उसके लिए मसाज टेक्निक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। स्पेशली आप अगर रनिंग करने जाते हो, जिम करते हो, जर्क आ जाता है, या यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का सा पुल आने की वजह से यहाँ पे पेन शुरू हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, इस पोजिशन में पहले पेशेंट को लेटाना है, पैर को ऐसे फोल्ड करके रखना है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारे इनर थाई मसल्स हैं, जो हमारे एडक्टर मसल्स हैं, उसको हम रिलीज करेंगे। अगर आप काफ़ी बार क्या होता है, लोग पूरा दिन बैठते हैं ऑफिस में, डेस्क जॉब होता है, तो उसमें भी बैठने की वजह से आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा टाइटनेस आ जाता है, यहाँ पे प्रेशर आ जाता है, और इसलिए पेन शुरू हो जाता है। या काफ़ी बार लोगों को क्रॉस लेग सिटिंग पोजिशन में बैठने का आता है, अगर आपको भी बैठने के बाद एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर डाल के बैठने का आदत है, जैसे इस इमेज में दिख रहा है, ऐसे भी आप बैठते हो काफ़ी देर, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पेन होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारा पेन कम करने के लिए आज हम देखेंगे क्विक मसाज टेक्निक, जो आपके पेन आपको बहुत इजीली कम करा देगा, और आपको वहाँ से आपकी जो भी एक्टिविटीज जो फिर से शुरू करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑयल अप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे जो पेन होता है, उस एरिया पे आपको मसाज नहीं करना, ये एरिया छोड़ देना है, वहाँ पे काफ़ी बार स्वेलिंग हो सकती है, तो वहाँ पे आपको मसाज नहीं करना। बट आपको मसाज वहाँ से 3 फिंगर छोड़ के ऊपर जो हमारे मसल्स एरिया होता है, जो सॉफ्ट एरिया होता है, वहाँ पे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दोनों थंब के से यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ हल्के से स्ट्रोक लेना है। अब ये जब मसाज करने जाते हो, नहीं पेनफुल होता है, पेशेंट को तकलीफ भी हो सकती है थोड़ा, क्योंकि टाइटनेस इतना ज़्यादा होता है एडक्टर में या हमारे इनर थाई मसल्स में, कि थोड़ा भी प्रेशर देने के बाद यहाँ पे पेन शुरू हो जाता है। इसलिए आप इनिशियली प्रेशर कम रखो, फिर नकल की हेल्प से आपको बस हल्के से यहाँ से, आप देखिए मैं यहाँ पे मसाज नहीं कर रहा, यहाँ से 3 फिंगर छोड़ के ऊपर से यहाँ पे मसाज कर रहा हूँ। ऐसे 5-6 स्ट्रोक लेने के बाद आपको फिर अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आना है। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जैसे आपको इंजर हो जाती है, पेन शुरू हो जाता है, जर्क आने की वजह से, पैर स्लिप हो गया, कुछ भी अगर एक्सीडेंटल केस होते हैं, तो सबसे पहले आपको इमेज यहाँ पे आइसिंग करना है, 2 से 3 दिन के लिए आपको आइसिंग करना है। नी कैप आपको 100% पहन के रखना है, स्पेशली जब आप चलते हो, नी कैप से वहाँ का स्टेबिलिटी आपको मिलता है ज्वाइंट का, और पेन कम होने में या इंजरी वहाँ का आगे ना बढ़े, इसलिए वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आइसिंग और नी कैप आपको कंपलसरी यूज़ करना है। थोड़ा ऑयल लेके अभी अब यहाँ से फिर से मैं छोड़ रहा हूँ 3 फिंगर, और ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रोक ले रहा हूँ। तो गाइस अगर आप इस चैनल पे नए होते, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर आपको बहुत अच्छे अच्छे अभी वीडियो मिलने वाले हैं, जिसमें देखेंगे मसाज थेरेपी, जिसमें स्पोर्ट्स मसाज और डीप टिश्यू मसाज कैसे आपके ज्वाइंट पेन को कम करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप बहुत ईजिली और आराम से बैठे बैठे आपके ज्वाइंट पेन के ऊपर काम कर सकते हो, वीडियो बहुत सिंपल रहेंगे, आप एक खुद थेरेपी अप्लाई कर सकते हो और आपके ज्वाइंट पेन को कम कर सकते हो। मेरे काफ़ी सारे मसाज के वीडियोस है, उसमें एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि मैं मसाज के लिए कौन सा ऑयल यूज़ करता हूँ, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं वो भी दिखाऊंगा मैं कौन सा ऑयल यूज़ करता हूँ मसाज के लिए। वो ऑयल आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उसे परचेस कर सकते हो। धीरे से हम
ऊपर की तरफ ऐसे मसाज करेंगे। काफी बार बैठने के बाद हम खड़े होने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा जकड़न आपको फील होती है, टाइटनेस फील होता है, स्पेशली जब हम कमर से उठने की कोशिश करते हैं टॉयलेट से, तो ये इतना जाम हो जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा पेन यहाँ पे होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। तो ये भी मसाज थेरेपी वो डिस्कम्फर्ट कम करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके कुछ एक्सरसाइजेस के वीडियोस भी है मेरे, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो दूसरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। धीरे से एकदम हल्के हाथ से हम यहाँ पे हल्का सा प्रेशर लगाएंगे, बिल्कुल प्रेशर नहीं दे रहा हूँ मैं, बस हल्के हाथ से यहाँ पे इसको रिलीज कर रहा हूँ। जो भी प्रेशर देना था, जो भी डीप मसाज करना था, मैंने यहाँ से ऊपर कर लिया है। अब यहाँ पे बस हल्के हाथ से ऊपर ही ऊपर जो फेशिया होता है उसको हम रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरीज रहेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों के जवाब दें। एंड रिलैक्स।